भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुरूपी हैं। इन्होंने केवल देश की जनता को ठगने का काम किया, काम तो कोई किया नहीं। जब देखो जब हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर राजनीति, कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन ने पत्रकार वार्ता के दौरान जमकर साधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर। वो कोरोना में लोग जाने ले ली, शंख बजवा रहे थे, ताली बजवा रहे थे, ये लोग बहुरूपी हैं और इन लोगों ने देश की जनता को ठगने का काम किया है और लगातार वही प्रयास कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के साथियों समझ जाइए, सजग हो जाइए। आज जिस तरह का हमारे सामने चुनौती है, इसने इनने पहले भी पिछड़ा वर्ग का मुखौटा अपने ऊपर लगाकर और पिछड़ा वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया था। कहीं चाय बेचने वाले बन गए, अब रेल ही बेच डाले साहब। क्या जमाना आ गया, आज हमारी कई औद्योगिक संस्थाएं बेच दिया जहां नौकरियां मिलती थी। अगर ये पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जाति जनजाति के हितैषी होते, 18 वर्ष से मध्य प्रदेश में सरकार है, कितने लोगों की नौकरियां दी। देश में 8 साल से भाजपा की सरकार है, 8.5 साल होने वाले हैं, कितने लोगों को नौकरियां दी। जब सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं, सब आउटसोर्स में कर रहे हैं, तो आरक्षण तो आपने वैसे ही खत्म कर दिया, तो आप कौन से आरक्षण के हितैषी हैं। 14% आरक्षण भी महाजन आयोग ने कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। मंडल आयोग जब गठित किया गया था तो मंडल साहब का कार्यकाल, अगर बीपी सिंह की सरकार चली गई थी, मंडल आयोग भी और जब अपने इंदिरा जी ने उनका कार्यकाल बढ़ाने का काम किया था, कार्यकाल घटाया नहीं था, कार्यकाल घटाया नहीं था, बल्कि उनको आयोग का चेयरमैन कंटिन्यू रखा कि अच्छा काम कर रहे हैं। और उनकी जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी उसको लागू करने का कांग्रेस सरकार ने काम किया। 27% यूपीए सरकार ने हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया। आज ना आपका स्कॉलरशिप का भुगतान हो रहा है एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का। ये वो लोग पिछड़ा वर्ग के हितैषी होने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मंडल कमीशन के बदले में कमंडल यात्रा शुरू की थी आडवाणी जी के नेतृत्व में। ये वो लोग हैं जो बीपी सिंह ने मंडल आयोग गठन किया था, बीपी सिंह की कुर्सी प्रधानमंत्री पद से किसने गिरवाया था, किसने गिराया था, यही भाजपा के लोग थे, यही आरएसएस के लोग थे, उसमें मोदी भी थे, सारे लोग थे, और आज अपने आप को हितैषी बता रहे। मध्य प्रदेश में 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 2003 में दिग्विजय सिंह ने दिया था, 18 साल से इनकी सरकार है। पहले ये हाई कोर्ट में चला मैटर, 2014 में हाई कोर्ट में जब खत्म होता है आरक्षण खत्म होता है, इतने साल इनने पैरवी नहीं की, 10-11 साल इनने पैरवी नहीं की, और जब खत्म होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की सरकार ने, अगर इनका अच्छी मंशा थी। दोबारा जब हमारी सरकार बनती है 2018 में और हम लोग 27% आरक्षण 14% से बढ़ा के 27% करते हैं, और उस 27% आरक्षण को रोकने के लिए लगातार हाईकोर्ट से स्टे, कहीं कोई भर्तियां भी नहीं हो रही, जहां हो रही है सब जगह रोक लग जा रहा है। ये कौन है पिछड़ा वर्ग विरोधी, ये पिछड़ा वर्ग के हितैषी होने की बात करते हैं।